केरल में शुक्रवार को कोविड-19 के 2605 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 52,19,062 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 342 लोगों की मौत दर्ज किए जाने के बाद मृतकों की संख्या 46,230 हो गई है। इन 342 मौतों में से 31 पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई हैं, जबकि केंद्र के दिशा निर्देश तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर मिली अपीलों के बाद 311 मौतों को कोविड के कारण मृत्यु माना गया है। तिरुअनंतपुरम में सबसे ज्यादा 534 नए मरीज मिले हैं, इसके बाद एर्नाकुलम में 496 और कोझिकोड में 252 मामले मिले हैं। विभाग की विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 25,586 है, जिनमें से सिर्फ 8.8% संक्रमित राज्य में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच 3,281 और मरीज संक्रमण से उबर गए हैं, जिसके बाद स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या शुक्रवार को 51,58,423 पर पहुँच गई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।